गांव ने इसके लिए जमीन दी थी, इधर पीएचसी बनी और गांव की उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। और रही बात साफ सफाई की, साफ सफाई के लिए इनके पास एक कर्मचारी, आप देख नहीं रहे क्या, ये बिल्डिंग गिर गई। जब ये दवाई, जब एक जो मरीज आता है उसको ये संतुष्ट नहीं कर सकते, तो इनको तो ये क्या संतुष्ट करेंगे। और जो जहां वो अभी आप देख सकते हो, तो वो इसलिए टूट गई क्योंकि ना इधर कोई आना ही पसंद नहीं करता, फिर कोई देख ना कोई देखने आ रहा है ना, और कुछ जो कोई आ रहा है उससे ऐसे सवाल जवाब किए जाते हैं ताकि ये कोई भाई बड़ा संसद है लिया भाई, इसने नेता ने कोई चुनाव लड़ना है, कोई ऐसी बातें की जाती हैं। इधर संतोखपुरा गांव की पीएचसी में मौजूद है और यहां पर ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। यहां पर जो सुविधाएं जो पीएचसी से लोगों को मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं कोतवाही होती है, जिसके चलते ग्रामीण बेहद नाराज हैं और पिछले काफी लंबे समय से ये समस्याएं बनी हुई हैं, जिसके चलते आखिरकार ग्रामीणों ने आज प्रदर्शन करना ही इसका हल समझा। हालांकि अधिकारी भी मौके पर आने वाले हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम जी? मेरा नाम बख्शी है। बख्शी जी, आखिर प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है और क्या मामला है? जी, इस प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ये डॉक्टर हैं, इन्होंने एक ऐसी थिंकिंग लोगों के बीच में, ग्रामवासियों के बीच में पैदा कर दी है कि ग्रामवासी ये बोलते हैं कि हमारे पीएचसी में कोई भी सुविधा नहीं है, किसी भी चीज की कोई भी सुविधा नहीं है, इधर लोग आना भी बंद कर गए हैं। और जो स्टाफ है वो या तो हमारे को मिलता नहीं है, अगर इधर आते हैं कभी मिल भी जाता है तो उनका जो व्यवहार है वो इतना खराब है कि लोग इधर आना भी पसंद नहीं कर रहे पीएचसी के अंदर। और इधर आते हैं तो बोल देते हैं ये दवाई नहीं है, वो दवाई नहीं है। अगर हम हमारे गांव में जाकर के कोई भी चीज़ की सुविधा बताते हैं कि हमारे पीएचसी में चले जाओ, इस चीज़ की सुविधा है, तो गांव वाले यही बोलते हैं कि उधर कोई सुविधा नहीं है। अभी हमने 4-5 दिन से इधर कंटिन्यू लगातार चेक कर रहे हैं इस बारे में, तो हमारे को यही मिला है, इधर आ रहे हैं तो या तो हमारे को बताया नहीं जाता कि पहली बात तो क्या ना कौन डॉक्टर है इधर, अगर पूछते हैं स्टाफ के बारे में तो वो बोलते हैं आज वो मीटिंग में है, आज वो मीटिंग में है। इधर कोई 10 बजे आओ चाहे कोई 11 बजे आओ, अपनी हाजिरी लगा देते हैं। अच्छा, कभी इस बारे में कभी प्रशासनिक अधिकारी से कोई शिकायत किया आप लोगों ने? नहीं, अभी हम 5 दिन से कंटिन्यू इस चीज की सर्च कर रहे हैं, पूरी की पूरी डिटेल हमारे पास वीडियो समेत। और जैसे आज गांव की पंचायत पूरी की पूरी इधर इकट्ठा हुई है और आज पंचायत ने देखा है कि हमारे जो लोग हैं गांव के, उन वो यहाँ इसलिए आए थे कि हमारे को जो भी इधर डॉक्टर है वो ये बताए कि गांव की पीएचसी है उसके अंदर यही है सुविधाएं लागू हैं, ताकि लोगों की सोच बदले और वो इधर आए। तो एक साफ सफाई का भी इसमें अहम मुद्दा बताया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा। फिर आप देख सकते हैं एक तरफ गांव संतोखपुरा के ग्रामीण बैठे हैं, संतोखपुरा गांव के ग्रामीणों के अलावा आसपास के कुछ गांव और जो है जो पीएचसी केंद्र आते हैं उनके ग्रामीण भी यहां पर मौजूद हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और महिलाएं भी इस समय प्रदर्शन के दौरान पहुंच चुकी हैं। हम इनसे बातचीत करने वाले हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और किस लिए पहुंची हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। अच्छा, संतोखपुरा पीएचसी क्यों आए हो आप? हम न्यू आए हैं जी, इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है और कोई दवाई गोली हमने नहीं मिलती, आ रही को रिन्यू कर दी हाँ, अस्पताल में दवाई नहीं आ रही, हम कितने दें, दो गोली देंगी कल नहीं परसु फेरा जाइयो, ये बात हुई। अच्छा, कभी इस बारे में कभी प्रशासनिक अधिकारी से शिकायत हुई आपकी? या ई हो रही त्यार की कई इधर हो गया, हमने तो 3-4 महीने तो मन हो गया हम दिया नहीं। हाँ, वह 3 गोली दी बेटा और दिन तो मरिया मेरी देवरानी दोनों आई, कोई टीका नहीं, कुत्ता ने पैड रखी थी, जब भी टीका नहीं लाया इसका। अच्छा। हाँ, फिर हमने प्राइवेट में लुवाया। हाँ, और पूछ लो जी। हाँ, नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार जी। आप पीएचसी पे पहुंचे हैं, किस मामले में पहुंचे, क्या प्रदर्शन किया जा रहा है? हम इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ गांव संतोखपुरा में जो पीएचसी है इसमें है ना, जो सुविधा हम लोगों को मिलनी चाहिए वो कोई भी नहीं मिल पा रही है गाँव के ग्रामवासियों को। और यहाँ पे जब भी कोई भी मरीज आता है तो उससे एक तो अच्छा व्यवहार नहीं करते यहाँ के जो भी स्टाफ है वो, और जो कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे हमारे गांव के लोग संतुष्ट हों। जी, कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो असंतुष्ट है यहाँ पर जो सुविधाएं मिलती उनको लेके। लोगों का कहना है कि ना तो समय पर दवाई मिलती है, ना समय पर और सुविधाएं मिल रही है, और स्टाफ की जहाँ तक बात की जा रही है तो स्टाफ का जो व्यवहार है वो भी सही नहीं बताया जा रहा। कुछ और महिलाओं से भी हम बातचीत करने वाले हैं, आखिर प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है और कितने लंबे समय से ये ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पीएचसी आए हैं आप, क्या मामला है जी? ये बता रहे थे आप आंटी,
आप ही बता दो। हाँ तो ये है प्रॉब्लम जी, कोई दवाई पानी हमारे को मिल नहीं रही। आते हैं ऐसे चले जाते हैं, दो गोली दे देते हैं, कोई सवा पानी नहीं। बच्चे होते हैं तो भी ऐसे दुखी कर देते हैं बच्चों औरतों को। हाँ अपने वीटी हुई थी, वीटी प्राप्त हुई थी कि संतोष ग्राम में पीएचडी इस पे कोई गांव वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ मौका पर आए हैं। अपने डॉक्टर ऐसे अपने कैदन साहब आए हुए हैं और सटा पे आपस में ग्रामीण बातें कर रहे हैं शांतिपूर्वक से। पुलिस मौके पहुँच गई थी, अभी ऐसी ये साइड में बैठे हैं, अपने धरना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। अपने जो रोज पर कर रहे हैं वही बता रहे हैं दवाइयों के बारे में। डॉक्टर साहब आगे बताई, डॉक्टर साहब और अपने स्टाफ और गांव वाले मौजूद सरपंच ये उनके साथ बैठे हैं, उनके बारे में कोई बातें कर रहे हैं, शांतिपूर्वक है। मेरा नाम डॉक्टर अभिमन्यु है। वैसे तो मैं चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त हूँ CHC झोजू कला, लेकिन मेरे को CHC झोजू कला DDO प्लस SMO का चार्ज दिया गया है। तो आज जब मैं ऑन ड्यूटी था तो मुझे ये सूचना मिली कि गांव संतोखपुरा में जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर गांव वाले इकट्ठा हुए हैं और उनकी शिकायतें हैं कि भाई गांव के कर्मचारी जो संस्था के कर्मचारी हैं वो ना तो समय पर आते ना किसी प्रकार की उनको सुविधाएं गांव वालों को वो दे पा रहे हैं, और गाँव वालों की शिकायतें इसमें बढ़ती ही जा रही हैं। तो इसलिए गाँव वालों ने परेशान होकर संस्था के बाहर धरना दिया कि भाई आज हम इस चीज़ का निपटारा करेंगे। तो जब मुझे ये सूचना मिली तो मैं तुरंत ही यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैंने गांव के जो गणमान्य व्यक्ति थे सरपंच जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा अन्य दूसरे गांवों के गणमान्य व्यक्ति उनके साथ जब बैठकर मैंने उनकी समस्याएं सुनी तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि समस्याएं वाजिब हैं, क्योंकि मैंने जब स्टाफ का अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया है तो उसमें भी काफ़ी खामियाँ मुझे पाई गई। देखिए सर, माननीय हरियाणा सरकार ने जो दावा किया है वो दावा बिल्कुल सही है और उसके नियम भी बनाए हैं, लेकिन क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं और सरकार हमें इस चीज़ का वेतन दे रही है और संस्था में नियुक्त होने के कारण कहीं ना कहीं एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी व विभागीय जिम्मेदारी व जिस चीज़ की हमने शिक्षा ग्रहण की है उसकी जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारी हमें इस बात के लिए मतलब प्रेरणा का स्रोत है कि हम उस चीज़ के की सुविधाएं जिस चीज़ का कोर्स जैसे एक चिकित्सक ने जो कोर्स किया है पेशेंट की बीमारियों का समाधान करना उनकी दवाइयों का, तो चिकित्सक अपनी ड्यूटी का निर्वहन करे, स्टाफ नर्स अपनी ड्यूटी का निर्वहन करे, लैब टेक्नीशियन क्योंकि उसका काम होता है पेशेंट की जो जांच जो चिकित्सा अधिकारी ने लिखा है उसका निर्वहन करे। तो सरकार के माननीय हरियाणा सरकार के दावे बिल्कुल सही हैं और हमारे माननीय सिविल सर्जन सर भी इसमें पूरी तरीके से उनका प्रयास है कि जो गांव के जो व्यक्ति हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की चिकित्सक सहायता जो चाहिए वो उन्हें उन्हीं के गाँव में दिलवाई जाए। हैं स्टाफ थोड़ा सा मतलब पंचुअलिटी नहीं दिखा पा रहा, शायद हो सकता है भाई मौसम की वजह से या कई बार हो जाता है कि भाई इधर उधर ट्रेनिंग आ गई, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई हमारे दादरी के अंदर जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनकी संख्या इतनी नहीं है। अब जैसे चिकित्सक जो यहाँ पे हैं उनकी तबीयत अचानक कल ख़राब हो गई थी तथा शाम को उन्होंने इन्फॉर्म भी किया था और सुबह भी उनका इन्फॉर्म हुआ था, तो वो 10 और उन्होंने 10 दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई किया है, तो उस कारण से भी कई बार ये। पर बाकी स्टाफ की मैंने मीटिंग आज बुलाई है यहाँ के संतोखपुरा के स्टाफ की और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो हमारे गांव के जो साथी हैं हमारे भाई बहन हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनका मैं अपने निजी स्तर पर जितना अधिक से अधिक समाधान कर सकूँ और गांव वालों को सेवाएं प्रदान करवा सकूं, गांव वालों को संतुष्ट कर सकूं, उसका मेरा पूरा प्रयास रहेगा। ताले का जब मैं आया तो मुझे ताला तो कहीं नहीं दिखा, मुझे ये नहीं पता कि किसने कब ताला लगाया और किसने कब ताला खोला। थे सरपंच जी के साथ संस्था के बाहर बैठे जरूर हुए थे और हमारे पुलिस साथी भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे ताकि किसी भी प्रकार का हंगामा ना हो, लेकिन ताले जैसा मुझे यहाँ पर कुछ नहीं देखा क्योंकि जब मैं आया तब उस टाइम ताला खुला हुआ था। हाँ कर्मचारी संस्था में कम मौजूद पाए गए, उनका मैंने मीटिंग कॉल की है और उनसे मैं सब लिखित में लूँगा भी कौन कर्मचारी कहाँ पर है, लेकिन
कहीं ना कहीं मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग, हमारे जो भाई बहन, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनका आशीर्वाद हमें चाहिए, इनकी समस्याएं जो हैं उनका समाधान मैं अपने स्तर पर कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकूं। देखिए, सारी समस्याओं का समाधान तो मेरे हाथ में भी नहीं है, उनके लिए मैं ऊपर लिखूंगा, पर जितना मैं अपने स्तर पर करवा सकता हूँ मैं उनको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा।